नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज वीडियो बना रहे थे, तो आज मैं सुबह रिव्यू वीडियो में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि भाई वो ब्रेकिंग न्यूज का कंफर्मेशन देख रहे थे कि वो सारी करेक्ट है या नहीं है। तो भाई आज एक ब्रेकिंग न्यूज वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करना और मेरे साथ एंटरटेनिंग बादशाह। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो आज की। देखो, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, दो चीज़ों से रिलेटेड है। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो अभी होने जा रहा है अभी कुछ 29-27 तारीख को, और आईपीएल 2021 से रिलेटेड, और एक दो बातें हैं वो अपन हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही होगी ना, ये 3 नवंबर को आई थी, अभी इसी महीने 3 नवंबर को आई थी। मेरे को पूरी डेट याद है क्योंकि 101% ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। 3 नवंबर को ये आया था कि बीसीसीआई लाइकली टू सेंड रोहित शर्मा ऑन ऑस्ट्रेलिया टूर विद इंडियन टीम ऑन नवंबर 11 आफ्टर आईपीएल। क्योंकि ये क्या है कि टीम में भी आ गए थे, एक दो मैच खेले थे, प्रदर्शन सही नहीं था, लेकिन जब ये टीम में आया ना तो ऐसा लगा बीसीसीआई को कि ये मतलब ये खेल सकते हैं और ये पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। और इनके जो MITV है, यूट्यूब का जो चैनल है, उसके अंदर भी आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार रहे थे। लेकिन अब इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, मतलब अब कुछ कह नहीं सकती कि सही है नहीं। देखो, एक न्यूज़ तो ये थी जो हमारे पास पहले आई थी, अब जो आई है ना वो ये है। सौरव गांगुली से नया बयान आया है, ये कल ही आया है ये। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर रोहित शर्मा ईशांत, ये तो रोहित शर्मा के बारे में फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि सौरव गांगुली ने बोला है कि इनको कुछ नहीं पता रोहित शर्मा के बारे में, फिंगर्स क्रॉस्ड है क्योंकि रोहित शर्मा खेल भी रहे हैं, क्योंकि सौरव गांगुली बहुत नाराज है रोहित शर्मा से, मतलब ये और इंजर्ड है। उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि ईशांत की इंजरी अभी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। राहुल वो अभी राहुल द्रविड़ एट एनसीएस मॉनिटरिंग हिम, दे आर वर्किंग ऑन हिज फिटनेस एट बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो भाई अभी ईशांत शर्मा किस मतलब राहुल द्रविड़ के साथ है एनसीएस में, और अभी राहुल द्रविड़ देख रहे हैं उनकी फिटनेस के ऊपर, और मतलब अगर जैसे वो फिट हो तो वो इंडिया के ऑस्ट्रेलिया टूर में जा सकते हैं अगर वो 1 या 2 दिन के अंदर फिट हो जाए नहीं तो। तो ईशांत तो अभी जाएंगे, ईशांत शर्मा के चांसेस ये हो रहे खबर तो आ हैं। गई गुरु, ये खबर तो आ गई कि ईशांत जाएंगे और इनके पूरे फिट हो चुके हैं, और राहुल द्रविड़ पूरे नहीं हुए, मतलब ऐसे रिकवर होने वाला टाइम आता है ना, वो इनका आ चुका है। हाँ मतलब उनकी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, और रोहित शर्मा की अभी फिंगर्स क्रॉस किया है, मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ एक कंफर्मेशन आ गई कि रोहित शर्मा आपने देखा होगा अभी मैचेस खेल रहे हैं, हैदराबाद के खिलाफ खेला था, क्वालिफायर 1 खेला था, अभी फाइनल भी खेलेंगे। तो भाई मतलब अब रोहित शर्मा के चांसेस है, और रोहित शर्मा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टूर में जब आईपीएल के फाइनल्स खत्म हो जाएंगे नवंबर 11 को दुबई के, जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी इंडिया तो उसमें रोहित शर्मा रहेंगे। सौरव गांगुली ने दिया था बयान, कल ही दिया है हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर। तो इनसे क्या कि पूछा गया था रोहित शर्मा के बारे में, तो ये बहुत गुस्सा थे यार, और गुस्सा होना जायज़ है यार, क्योंकि भाई जो आप पूरी तरह से फिट नहीं हो तो भी आप आईपीएल खेल रहे हो, आईपीएल बढ़कर है यार इंडियन टीम से। बिल्कुल भाई एकदम सही बात बोली है, लेकिन यार अभी रोहित शर्मा का भी कुछ कह भी नहीं सकते कि वो फिट है या नहीं है, बट वो खेल तो रहे हैं, लेकिन खेलने से ये नहीं होता कि भाई वो फिट है। क्योंकि इनका जो लेफ्ट लेग है, आपने वो हमारी जो फाइनल वाली है ना वो भी हम अपलोड करेंगे, आप उसमें भी सुन लीजिएगा, छोटी सी हमने टॉक करी है इसके बारे में। इनका जो लेफ्ट लेग है ना वो अभी भी इंजर्ड है, और वो हैमस्ट्रिंग से, मतलब ये हैमस्ट्रिंग से अभी तक पीड़ित हैं, और ये मतलब ऐसे दर्द को है ना ये मतलब भगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको तो सिलेक्ट होना ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने पहले ही कह दिया था 27, सौरव गांगुली ने कहा था मैच चालू है 27 से, तो मतलब इसके 10 दिन पहले से, क्योंकि टीम जाएगी, क्वारंटाइन भी रहेंगी, वो सब पीरियड होता है। तो इसलिए क्या है कि अब ये रोहित शर्मा ने सोचा होगा कि ये ना भाई मैं नहीं जा पाऊंगा फिर, इसलिए मैं जल्दी से मैच खेल लूँ, तो इनको समझ में आ जाएगा बीसीसीआई को कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ, लेकिन ये नहीं है भाई। इसलिए सौरव गांगुली ने ये बयान दिया कि फिंगर्स क्रॉस्ड है, अगर रिपोर्ट के अंदर पूरा आता है ओके तो ये जाएंगे। देखो बिल्कुल भाई अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बट ज्यादातर चांसेस है कि रोहित शर्मा जाएंगे। हाँ, और ये और है ना यार, ये रोहित शर्मा जो पहले कह कि ये था, रोहित शर्मा के बारे में बहुत सारी चली थी, वो अपन ने कह कि वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगा वीडियो बनाने के वो कोई बात लायक नहीं है, बहुत चैनल पे बनी भी थी वो, कि आपने वीरेंद्र सहवाग का देखा होगा, वीरेंद्र सहवाग पहले ओपनिंग करते थे, फिर वीरेंद्र सहवाग की क्या कि रुको आप कंटिन्यू करो 2 मिनट। देखो अब है ना इसमें एक न्यूज आई थी कि द टीम रीचेज ऑस्ट्रेलिया ऑन नवंबर 12 मॉर्निंग, एंड आफ्टर दैट दे विल अंडरगो कोरोना टेस्ट, एंड द मोमेंट दे हैव नेगेटिव रिपोर्ट्स दे आर एलिजिबल टू ट्रेन। भाई एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि मतलब आप देखो 10 नवंबर को तो आईपीएल का फाइनल होगा, तो क्या मतलब 11 नवंबर के उस 11 नवंबर को आई थिंक मतलब निकल जाएंगे ये लोग, और 12 नवंबर के मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे, एंड आफ्टर दैट उसके बाद ये लोग कोरोना टेस्ट होगा इनका, और जैसे ही ये लोग नेगेटिव रिपोर्ट इनकी आएगी देर एलिजिबल टू ट्रेन, मतलब ट्रेन मतलब ये लोग अपनी
प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया सेशन के लिए। और भाई मतलब जब ये पहुंचेंगे तो 2 हफ्ते बाद होगा, गुरु मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर 27 नवंबर को होगा। हेलो। हेलो हाँ, हाँ तो मतलब आप 27 नवंबर को है ना, ऑस्ट्रेलिया टूर आप होगा। कंटिन्यू करो, 2 मिनट क्या है कि कुछ पता चला है। ओके, तो एक और न्यूज पता चल रही है एंटरटेनिंग बादशाह का, वो अभी हम आपको इसी में बताएंगे वीडियो में। 2-3 और इम्पोर्टेंट न्यूज आएगी, तो तब तक मैं आपको, देखो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि मतलब रोहित शर्मा भी जा सकते हैं। मैं आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन एक बार जो अपने वीडियो में बताई है एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि मतलब अभी देखो रोहित शर्मा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टूर में। जब नवंबर 11 को निकलेंगी मतलब फ्लाइट दुबई से ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें जो जो टीम सिलेक्शन है, हमने टीम की वीडियो भी बना रखी है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो वो जाएंगे फ्लाइट से। और उसके अलावा इनके साथ मतलब रोहित शर्मा भी जाएंगे, ईशांत शर्मा भी जाएंगे। और उसके अलावा अभी जब हमने आपको ये बता दिया कि भाई टीम नवंबर 12 के आसपास तक पहुंच जाएगी, और भी 2-3 इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हो गौतम गंभीर का ये एक, उन्होंने बताया था कि जब आरसीबी हार गई थी हैदराबाद से, तो गौतम गंभीर ने बोला था कि 8 years इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, गौतम गंभीर वांट्स आरसीबी टेक अवे कैप्टनशिप फ्रॉम विराट कोहली। तो मतलब गौतम गंभीर ने बोला था कि भाई मतलब आरसीबी के तो विराट कोहली से कैप्टनशिप छीन लो, क्योंकि 8 साल से विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं आरसीबी की, लेकिन अभी तक एक बार भी आईपीएल का फाइनल नहीं जीता पाए, या आईपीएल ट्रॉफी अभी तक नहीं जीता पाए। तो भाई ये मैं बोलूंगा एक गलत बात, जैसे कि आप ये कह सकते हो भाई गौतम गंभीर का बयान एकदम सही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कैप्टनसी से हटा दो, बट अगर हटाना चाहते हैं तो वो तो आरसीबी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। और उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन है अभी आपको एंटरटेनिंग बादशाह वगैरह सब बता देंगे, ये फिंगर्स क्रॉस वाली हमने आपको दिखाई दी। उसके बाद हाँ, आईपीएल 2021 विल टेक प्लेस इन अप्रैल टू मई इन इंडिया, तो 2021 में आईपीएल होगा और अप्रैल से मई के महीने में होगा इंडिया में, ये बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का बयान है। और उसके बाद और भी देखो इंफॉर्मेशन है हमारे वो क्या है पास। कि किसी का फोन आ गया था अभी। हाँ तो कोई हेलो। बात नहीं, मैंने बता दी इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा और भी मतलब जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। बाकी ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि भाई 2021 का आईपीएल अप्रैल से मई के महीने में हो जाएगा, मतलब हाँ मतलब अप्रैल के आई थिंक शुरू में ही स्टार्ट हो जाएगा, और सौरभ गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने बोला है इंडिया के मंथ में ही होगा। तो देखो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।